It is the time we acknowledge the talent of students, the award recipients. I would like to start with the position holders from class 2nd. आपको सिर्फ एक शब्द हमेशा एक ही बात कही जाती है कि जिनके पेरेंट्स जिनकी मदर अपना टाइम अपने बच्चों को देते हैं कुछ ना कुछ करें 24 आवर्स में से हाफ एन आवर 1 आवर उन्हीं के बच्चों टॉपर्स में होगा। जिनके पास टाइम ही नहीं है अपने फंक्शंस अपने डोमेस्टिक वर्क अपनी किचन्स या अपने बिजनेस उनके बच्चे कभी भी टॉपर नहीं हो पाते। टाइम ये नहीं है कि बच्चे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड चाहिए सिर्फ एक बार बच्चे को अगर बिठा दिया जाता है पढ़ने के लिए और मदर सामने होती है तो बच्चे को एक डर रहता है कि मेरी मदर सामने और मुझे पढ़ सकते। लेकिन अगर आप बच्चे को बिठाने के लिए ही तैयार नहीं है तो बच्चा आगे बढ़ते हैं और इस द मैटर नॉट ओनली द स्टडी इस द मैटर ऑफ द टाइमिंग ऑफ जिनको टाइम की वैल्यू नहीं है वो अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ा पाए। आपके बच्चे अगर आज इतना आए हैं टॉपर्स बने हैं प्राइज ले रहे हैं तो इसका मतलब मदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम अपने बच्चों को देते हैं। मॉर्निंग में जो बच्चा टाइम से असेंबली में आएगा तो उसका डे वहीं से स्टार्ट हो जाए उसकी सक्सेस उस मोमेंट स्टार्ट हो जाती है जब वो बच्चा टाइम से स्कूल में एंटर करता है।